नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट बल्ब के बारे में। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट बल्ब आते हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सिस्का स्मार्ट एलईडी बल्ब। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये स्मार्ट एलईडी बल्ब है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी एक ऐप होती है जो अपने मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू ईजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक बार मैं बॉक्स आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस तरह के सेटअप होना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, देख लीजिए। पहले आपको सिस्का एलईडी का ऐप डाउनलोड करना है, इसको कनेक्ट करना है, फिर लॉग इन रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है और थोड़ी देर में ये रिस्टार्ट हो जाएगा और आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बॉक्स बाहर से देख लीजिए कैसा लगता है। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल बल्ब है। इसको आप किसी भी नॉर्मल प्लग में, प्लग पॉइंट जो बल्ब का प्लग पॉइंट होता है, होल्डर जो होता है, उसके अंदर आप लगा सकते हो। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये आपको सेटअप गाइड मिला है। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये सेटअप हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको होल्डर में लगा दिया है, अब इसको हम सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए आपको इसको 3 बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं इसको 3 बार ऑन ऑफ करता हूँ और ये ब्लिंक करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस बल्ब को आपको 3 बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब ये सेटअप के लिए रेडी है और ये ब्लिंक कर रहा है। अब इसके लिए मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी, इसके अंदर मैंने अपनी आईडी भी डाल दी है। अब मैं इसको ऐप ओपन करके इसको सेट करूँगा। देखिए दोस्तों मैंने इसको सेट कर दिया है मोबाइल ऐप के साथ। मोबाइल ऐप को मैं ओपन करता हूँ और आगे चीज़ें देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल पे सिस्का एलईडी की ऐप ओपन कर ली है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने इसको मोबाइल ऐप के थ्रू ऑफ कर रखा है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों ऑन, ये है वाइट, ये कलर और ये कुछ सीन्स हैं। अगर आप वाइट करते हैं तो इसके अंदर आप जो है इसकी पावर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद अगर आप कलर पर जाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स ऑप्शन हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। और एक ऑप्शन और है इसके अंदर सीन्स। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये शेड्यूल में आप इसका ऑन और ऑफ टाइमिंग का जो है शेड्यूल कर सकते हो। ये देखिए मैंने शेड्यूल पे क्लिक कर दिया। इसमें आप एक कोई भी शेड्यूल ऐड कर सकते हो कि स्विच ऑन कब करना है, स्विच ऑफ कब करना है। इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।